अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रोन टमेटो खाते हैं वो महंगा होगा, उसमें 9 times ज्यादा आयरन होगा एक हाइब्रिड टमेटो से। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इवेंचुअली तो आपकी जो फूड वैल्यू है वो बढ़ रही है, आपका न्यूट्रिशन, आप उसको एक चार्जेस में अगर कंपेयर करें तो भी आप एक मतलब अच्छी साइड ही अपने को पाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक खाते हैं। तो इस सीज़न के अंदर मेनली वाटरमेलन्स हैं, कुछ स्क्वाश की वैरायटी है, एक पेपर वैरायटी है जो मैं हमेशा ग्रो करती हूँ, इसके अलावा एस्पैरेगस है, लेवेंडर है जो मैंने ग्रो किया था, लेवेंडर मैंने कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन से ग्रो किया था, और बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके ऊपर मैं वर्क करती रहती हूँ। इसके अलावा बेजिल, मिंट और बहुत सारी और हर्ब्स को ग्रो करके मैंने अपने गार्डन को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया है। मैं ये चाहती हूँ, मेरा एम एक ऐसा गार्डन, एक ऐसी सॉइल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से कोई मॉडिफिकेशन ना करना पड़े और केवल नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को ग्रो करें, मिनिमल स्प्रे करें या फिर स्प्रे ना करने की ज़रूरत पड़े हमें, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। हमारा सीड इतना अच्छे से प्रिपेयर हो कि वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए और वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए। कि मैं कभी भी, जब भी मैं कोई सब्ज़ी लेने जाती हूँ, मैं कभी भी धनिया और मिर्च जो है ना, वो हम लोग की टेंडेंसी, वो हम साथ में डलवाते हूँ, मैं कभी नहीं डलवाती ऐसे। मैं कहती हूँ आप उसका पेमेंट लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिर्च को ग्रो करना कितना डिफ़िकल्ट है, मिर्च के अंदर मैक्सिमम पेस्ट लगते हैं वो, क्योंकि हमें मिल रही है। अगर हम उनको फोर्स करेंगे हमें कम रेट पे देने के लिए, ऐसे ही दे देने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो लोग उसके ऊपर और पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, वो मजबूर हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं हम अवेयर हैं, हमें पता है कि ये अच्छा है, ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं डॉक्टर शिवानी के पास, जो 8 साल से छत पर किचन गार्डनिंग कर रही हैं, और जिसमें खास बात है कि वो रेयर वेजिटेबल्स उगाती हैं, और उसमें भी खास बात है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो करती हैं। तो चलिए डॉक्टर शिवानी से मिलते हैं और लेते हैं जानकारी कि वो कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर रही हैं और आप उनकी टिप्स की मदद से कौन कौन सी सब्जियां अपनी छत पर ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी कालरा है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और पिछले 14 साल से मैं मेरठ के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और साथ में मैं गार्डनिंग का शौक रखती हूँ। 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे, मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन है अपने घर की छत पर। मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ रेयर फ्लावर्स, जो भी मेरा मन करता है, ये मेरा शौक है, वो मैं पिछले 8-9 साल से ग्रो कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना बिजी शेड्यूल में टाइम निकालकर किचन गार्डनिंग करती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल आपने क्या क्या ग्रो कर रखा है। फ़िलहाल इस सीज़न में मैं जनरली, मैंने बहुत सारी चीज़ें मार्क करी हुई हैं, मैं एक डेफिनेट पैटर्न पर ही चीज़ें ग्रो करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। तो इस सीज़न के अंदर मेनली वाटरमेलन्स हैं, कुछ स्क्वाश की वैरायटी है, एक पेपर वैरायटी है जो मैं हमेशा ग्रो करती हूँ, इसके अलावा एस्पैरेगस है, लेवेंडर है जो मैंने ग्रो किया था, लेवेंडर मैंने कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन से ग्रो किया था, और बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके ऊपर मैं वर्क करती रहती हूँ। इसके अलावा कंपेनियन प्लांटिंग के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ पिछले बहुत सालों से, और बेजिल, मिंट और बहुत सारी और हर्ब्स को ग्रो करके मैंने अपने गार्डन को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया है, जिससे मैं ये चाहती हूँ, मेरा एम एक ऐसा गार्डन, एक ऐसी सॉइल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से कोई मॉडिफिकेशन ना करना पड़े और केवल नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को ग्रो करें, मिनिमल स्प्रे करें या फिर स्प्रे ना करने की ज़रूरत पड़े हमें, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। हमारा सीड इतना अच्छे से प्रिपेयर हो कि वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए और वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए। तो मैम ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने, इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि ये शुरुआत कैसे हुई, आप किचन गार्डनिंग में कैसे आए? अंजू जी, मैं, हम लोग बहुत सारे शौक़ होते हैं, मैं तो, मुझे भी एक पढ़ने का शौक़ है, तो मैं पीछे बहुत टाइम से चीज़ें पढ़ती रहती थी। तो मैं वेजिटेबल्स के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि उसमें लिखा है कि टमेटोज़ नेचर में 8 to 10,000 वेराइटीज़ के ग्रो करते हैं।
तो ये मेरे लिए एक थोड़ा शौक जैसा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ हम एक हाइब्रिड और एक देसी टमाटर, मतलब मेरी केवल इतनी ही नॉलेज थी और इसके अलावा मैंने और कुछ बहुत ज़्यादा टमेटोज़ में नहीं देखा था। तो फिर मैंने थोड़ा और स्टडी किया तो मैंने पाया कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में या हमारे भी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देसी टमाटर या जो 8,000 टमाटर की वैरायटी हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये पढ़कर मेरी क्यूरोसिटी बहुत बढ़ गई, मुझे लगा कि ये 8,000 कौन सी वैरायटीज़ हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके मैंने उसमें से कुछ वैरायटीज़ ग्रो करी जो मेरी कंडीशंस में बहुत अच्छे से ग्रो करी। कुछ फेलियर्स भी हुए, कुछ सीड्स भी मैंने सेव करे, और ये सब करने के बाद मुझे इंटरेस्ट और मेरा बढ़ गया। तो फिर मैंने स्क्वाश की कुछ वैरायटी, वाटरमेलन की कुछ कंटेनर फ्रेंडली वैरायटी, उनके सीड सेव करना, ये सब शुरू किया। तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तो जैसे आपने बताया कि स्पेस की बहुत कमी आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप फिर किस तरीके से ग्रो करती हैं? अंजू जी, मैंने बेसिकली मैंने पहले डिसाइड किया कि मुझे कंटेनर गार्डन डेवलप करना है, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट साइजेस के कंटेनर्स चूज़ किए। जो मुझे मेन जो मैंने ग्रो करना है वो एक बड़े कंटेनर, बड़े ग्रो बैग्स हैं मेरे पास जो कि ट्रीज़ ग्रो करने के काम आते हैं। तो उन ग्रो बैग्स के अंदर मैं जो बड़ी वेजिटेबल जैसे वाटरमेलन हैं, स्क्वाशेस हैं या कुछ भी टमेटोज हैं, तो उनके लिए मैं बड़े ग्रो बैग्स रखती हूँ, और बाकी जो छोटे ग्रो बैग्स हैं उनको मैं सॉयल ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि वो भी ऑलमोस्ट सब कुछ ग्रो कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक सॉयल प्रिपरेशन है, और थोड़ा सा हम लोग को अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, मुझे लगता है कि फिर कोई भी ये कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे बताया कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, धीरे धीरे करके आप नेचुरल की तरफ बढ़ी, तो किस तरीके से ये नेचुरल है? देखिए, पहले मैंने थोड़ा सॉयल के बारे में स्टडी किया। मैंने ये सोचा कि क्या डिफरेंस है कि हम अपने गमले के अंदर कुछ ग्रो करते हैं और वो बहुत थोड़ा सा ग्रो होता है, और एक हम किसी और को देखते हैं कि जो इतने छोटी स्पेस में बहुत कुछ ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली वो सॉयल का डिफरेंस है, आपको सॉयल प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। देखिए, सॉयल के अंदर आपको बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसको एक बायो लिविंग सॉयल क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा मतलब एक सस्टेन्ड हार्वेस्ट दे। ऐसा नहीं कि हमने एक टमाटर लगाया तो उसमें दो टमाटर आ गए हैं और फिर हमारा पौधा मर गया है। अगर वो पौधा मर गया तो इसका मतलब यह है कि हमारी सॉयल जो है वो लिविंग नहीं है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने पहले एक कोकोपीट गार्डन सॉयल, और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र, मैंने लीफ मल्च में हर 2 साल में प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि लीफ मल्च को प्रिपेयर होने में ही 2 साल लग जाते हैं। तो वो लीफ मल्च मेरे हर कंटेनर का एक हिस्सा है, जो कि उसके अंदर फंगस ऐड करती है, इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र ऐड करती है, जो ऑर्गेनिक मैटर किचन से निकल रहा है उसको मैं अपने कंटेनर के अंदर ऐड करती हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा वुड ऐश जो होता है, जो कि एक एंटी फंगल, मतलब बहुत सारी नेचुरल चीज़ें आपको अपनी सॉयल को प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी चलती रहे हर वक्त। तो जब आप उसके अंदर सीड लगाएंगे तो वो जो सीड होगा वो आपका एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएगा, और मुझे लगता है शायद कंफर्टेबल फील करेगा और अच्छा ग्रो करेगा। तो जैसे कि नेचुरल हो या ऑर्गेनिक, जब भी कोई फार्मिंग करता है तो उसके सामने दिक्कत आती है कि बहुत से कीट उनकी फसलों में लग जाते हैं और फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ी? नहीं, बहुत सारी शुरू में आई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक कंपेनियन प्लांटिंग करनी है। देखिए, कंपेनियन प्लांटिंग क्या होती है कि मेरे पास अगर कोई कंटेनर है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उसके अंदर एक कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल ग्रो करेंगे और फिर उसी कंटेनर के नीचे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्रो करते हैं इन द नेम ऑफ कंपेनियन प्लांटिंग। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हम लोगों के लिए जो मैंने पाया है कंपेनियन प्लांटिंग का मतलब है, एक कंटेनर में ग्रो नहीं करी है, आपके पास ऑलरेडी सॉयल कम है, न्यूट्रिशन कम है, आप उसको डिवाइड कर देंगे उसमें 4 चीज़ें ग्रो करके तो कुछ भी अच्छा ग्रो नहीं होगा। जो मैंने किया हुआ है वो ये है कि मेरे पास बेजिल बहुत सारी है, सेल्फ ग्रोइंग बेजिल है, और वो इतनी बड़ी बेजिल प्लांट्स हैं कि उसमें मतलब वुडी स्टेम्स हैं। तो बेजिल एक इतना अच्छा पेस्ट रिपेलेंट है कि हम लोग उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि तुलसी और बेजिल के अंदर इनफैक्ट अंतर क्या है। बेजिल एक बहुत अच्छा मैंने मीडियम समझा कंपेनियन प्लांटिंग का। इसके अलावा गार्लिक, अनियन, लेकिन सेपरेट कंटेनर्स में। एक मेरे पास मिंट की वैरायटी है जो कि एक बहुत डिफरेंट वैरायटी है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो वो जो च्यूइंग पेस्ट है उसको वो हमेशा रिपेल करती है। तो मुझे लगता है कि पेस्ट, इसके अलावा पॉलिनेटर्स, आपको अपने गार्डन में जैसे मैं
सनफ्लावर्स ग्रो करती हूँ, बहुत जायंट सनफ्लावर्स होते हैं वो, उनका पर्पज़ एक ब्यूटिफिकेशन तो है ही, साथ में आपको पॉलिनेटर्स को एक मीडियम देना, वो आपके एनवायरनमेंट में कैसे ज़िंदा रहेंगे, ना उनको खाने को मिलेगा ना उनके पास पानी होगा, तो आप कैसे चाहते हैं कि वो केवल आपके फ्लावर्स को देख के ऐसे नहीं आएंगे, आपको उनके लिए भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि वो आएँ वहाँ रेस्ट करें। तो बड़े बड़े सनफ्लावर्स ग्रो करती हूँ मैं जिसमें बीज आती हैं, और बहुत सारे पॉलिनेटर्स के ऊपर भी मैं हर साल उनकी पिक्चर्स लेती हूँ, कोई नया पॉलिनेटर मुझे अगर कोई दिखता है अपने गार्डन के अंदर तो उसका वेलकम होता है, तो उसको मैं उसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। ये अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि लोगों के सामने ये दिक्कत रहती है कि उनके पौधों पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो नहीं पाती और फ्रूटिंग होती नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया कि कुछ आप रेयर प्लांट्स ग्रो करती हैं मोस्टली जो भी वेजिटेबल्स हैं, तो आप इनके बीज किस तरीके से तैयार करती हैं, क्या आप सीधे इन्हें नर्सरी से खरीदती हैं या कुछ और? देखिए नर्सरी, मैं ये नहीं कहती कि नर्सरी से आप नहीं लीजिए, बट मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम जो मैंने अपने गार्डन में आज तक लगाया है वो सीड बेस्ड ही है, क्योंकि सॉयल मैंने प्रिपेयर करी है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी, सिर्फ नर्सरी नहीं या कहीं से भी मैं कोई सॉयल ला के अपने जो मेरा मीडियम है उसको कंटेमिनेट करूं। मैं कोशिश करती हूं सीड्स में, साइट्स हैं अच्छी जहां पर आपको हेयरलूम सीड्स मिल जाएंगे। हेयरलूम सीड्स वो होते हैं जो नेचर में एज इट इज़ ग्रो करते हैं, जो मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि मॉडिफाइड अगर हमने ख़रीदना है तो वो तो बाहर मिल जाएगा आपको। तो हेयरलूम सीड्स मैंने बहुत सारे खरीदे, ग्रो करके देखे, कुछ उसमें से हेयरलूम नहीं थे तो मैंने उनको डिस्कार्ड किया, फिर उन सीड्स को मैंने हर साल रिपीट किया। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास वाटरमेलन है वो एक शुगर बेबी वैरायटी का वाटरमेलन है। शुगर बेबी एक कंटेनर फ्रेंडली वैरायटी है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम लोग एक सिंपल वैरायटी ग्रो करते हैं फिर हम एक फेलियर में लैंड होते हैं। तो शुगर बेबी एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ईजिली कंटेनर में ग्रो कर जाएगी, बहुत अच्छा उसका टेस्ट होगा। सीड्स आप उसके सेव करिए नेक्स्ट ईयर, ये वही सब सीड्स हैं, चार साल से यही सीड्स लग रहे हैं, यही वाटरमेलन लग रहे हैं और बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहा है। जैसे करेला है, उसके सीड्स भी मैंने जो सेव किए हैं वो भी पिछले चार पाँच साल से वो खुद ही सेल्फ ग्रो कर जाते हैं। कुछ एस्पैरेगस है जो मैंने ग्रो करी है। एस्पैरेगस हम लोगों के यहाँ पर एक बहुत नोन वेजिटेबल नहीं है, पर अगर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बहुत मतलब न्यूट्रिटिव, एक सुपर फूड के अंदर काउंट होने वाली, हम लोग अगर अपने यहाँ ग्रो करते हैं, मैंने तो खैर कंटेनर में ग्रो करी है, मुझे एक ना एक दिन उसको बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा, बट अगर हम अपने एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी और इतनी अच्छी उसकी यील्ड होगी, इतना अच्छा उसका टेस्ट होगा, इतना अच्छा उसका न्यूट्रिशन होगा, आपको कोई उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं डालना है, इतनी रेजिस्टेंट मतलब वेजिटेबल है। बट हम लोग इसलिए नहीं ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं उसके बारे में, या हम चाह नहीं रहे हैं अपने टेस्ट को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना। एक चीज़ और है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान लोगों को दिक्कत होती है या टेरेस गार्डनिंग में, कि फ्रूटिंग वाला जो मैंने बताया कि फ्रूटिंग होना शुरू तो हो जाती है लेकिन फ्रूट ख़राब हो जाता है, तो उनका रहता है कि हमें केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आपके सामने ये दिक्कत आई कि आपके फ्रूटिंग ख़राब हो रही है? मैंने ये दिक्कत आती है, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों आ रही है। देखिए मेरे केस में वो इसलिए आ रही थी क्योंकि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने फ्लावर्स ऐड किए, मैंने सनफ्लावर ऐड किए, बहुत सारे सनफ्लावर ऐड किए डिफरेंट, जो अभी भी जो सीजनल फ्लावर्स होंगे सदाबहार है आप ऐड करिए, जो आपके एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, आपको कोई बहुत एग्जॉटिक फ्लावर लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े रोजेज या लोटस लगा रहे हैं वहाँ पर, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नहीं करिए, आप केवल जो आपके सीजन में जो एक लोकल फ्लावर्स हैं उनको ले आइए। इवन आपने नोट किया होगा कि मेरे कुछ कंटेनर्स जो हैं वो खाली होते हैं तो उसके अंदर ग्रास ग्रो कर रही होती है, कुछ वीड्स ग्रो कर रहे होते हैं, मैं उनको भी ग्रो करने देती हूँ क्योंकि वो भी अपने अंडर कुछ पॉलिनेटर्स के एग्स हैं, उनको वो सेव करके रखते हैं, तो वो भी एक सोर्स है, वो भी नेचर का सोर्स है, क्योंकि वो हमें रिटर्न नहीं दे रहे हैं या हमें कुछ उनसे खाने को या देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा नहीं इनको तो हटा देंगे, जो हमें चाहिए वो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लांट्स हैं वो नेचर के अंदर, वो उनकी टेंडेंसी है, उनके सीड्स एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, वो ग्रो होंगे, थोड़ा उनको भी ग्रो होने दीजिए, इतना सेल्फिश नहीं बनना है। मैम आप बहुत अच्छी एक तो नॉलेज रखती हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, तो ये नॉलेज कैसे लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करती हैं? मेरा पर्पज़ ये है
कि हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल ना सोचें, थोड़ा सा आप एक छोटी सी बात लीजिए, मैं अभी बात कर रही थी कि मैं कभी भी जब भी मैं कोई सब्जी लेने जाती हूँ, मैं कभी भी धनिया और मिर्च जो है ना, वो हम लोग की टेंडेंसी, वो हम साथ में डलवाते हैं, वो मैं कभी नहीं डलवाती ऐसे। मैं कहती हूँ आप उसका पेमेंट लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिर्च को ग्रो करना कितना डिफ़िकल्ट है, मिर्च के अंदर मैक्सिमम पेस्ट लगते हैं वो, क्योंकि हमें मिल रही है। अगर हम उनको फोर्स करेंगे हमें कम रेट पर देने के लिए, ऐसे ही दे देने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो लोग उसके ऊपर और पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, वो मजबूर हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं हम अवेयर हैं, हमें पता है कि ये अच्छा है, ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये अच्छा है। एक एग्जांपल लीजिए, एक अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रोन टमाटो खाते हैं वो महंगा होगा, उसमें 9 times ज़्यादा आयरन होगा एक हाइब्रिड टमाटो से। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इवेंचुअली तो आपकी जो फूड वैल्यू है वो बढ़ रही है, आपका न्यूट्रिशन, आप उसको एक चार्जेस में अगर कंपेयर करें तो भी आप एक मतलब अच्छी साइड ही अपने को पाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक खाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए, मतलब हम लोग फार्मर्स को ग्रो उन्होंने ही करना है, हम लोग कोई फार्मर तो है नहीं, हम लोग तो अपने शौक के लिए कुछ कुछ थोड़ा कुछ लगा रहे हैं, मेन उन्हीं का काम है। तो अगर हम उनको, हमें ये एहसास होगा कि भाई ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो हम इनसे लेंगे, हम इनको प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप नहीं डालिए उसके अंदर पेस्टिसाइड, तो वो लोग क्यों डालेंगे फिर, है ना। तो इसके लिए हमें अपने अंदर अवेयरनेस लानी होगी, हमें चाहिए बहुत मतलब जल्दी से मिल जाए, मतलब थोड़ा सा कम चार्जेस में भी मिल जाए। इसके साथ ही मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब तक आपने क्या क्या उगाया है। देखिए वो 8 साल के अंदर बहुत कुछ उगाया है मैंने, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा या जिसको उगाने में मुझे बहुत मज़ा आया, वो एक मैं आपको एक फैमिली वाइज अगर बताऊँ तो टमेटोज़ मेरे फेवरेट हैं। टमेटोज़ की पहले तो मैं 2-3 वैरायटी एक साथ ग्रो करती थी, बट अब जैसे मुझे टाइम मिलता है तो उसके अंदर येलो टमेटोज़ हैं, चिरोकी टमेटोज़ हैं, ब्लैक टमेटोज़ हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत ग्रो किए हैं वो। और एक ब्रैंडी वाइन वैरायटी होती है टमेटो की, ब्यूटीफुल देखने में और खाने में उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो टमेटोज़ मैंने बहुत ग्रो करे हैं। इसके अलावा स्क्वाश के अंदर एक इस साल मैंने एक नया स्क्वाश ग्रो किया था, पैटी पैन, जो कि मैं पिछले 4 साल से ट्राई कर रही थी ग्रो करने के, आज तक नहीं हुआ वो, इस साल टचवुड वो ग्रो हो गया और मैंने उसको खा के देखा। मैंने उसको इसीलिए ग्रो किया क्योंकि वो स्क्वाश जो होता है वो आप केवल स्क्वाश वैरायटी का वो ही एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप रॉ खा सकते हैं, बाकी सब आपको पका के खाने होंगे। स्क्वाश से मेरा मतलब लौकी, आप समझ लीजिए लौकी की फैमिली। एक बटरनट स्क्वाश है जो मेरा फेवरेट है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है, सूप्स में यूज़ होता है, वंडरफुल, आप उसको 6-7 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, स्टोर कर सकते हैं। तो बटरनट स्क्वाश है मेरा फेवरेट है, वो ग्रो कर रहा है। एस्पैरेगस है, एस्पैरेगस हर साल फरवरी में बहुत अच्छे से उसके स्पीयर्स निकलते हैं और वो मैं चलते फिरते सब उसको खाती रहती हूँ। साथ में बीन्स है, बीन्स की एक रेड वेराइटी है। बीन्स ग्रो करने का मेरा पर्पज़ ये है कि बीन्स आपके गार्डन के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स ऐड करते हैं, तो अगर आप बीन्स ग्रो कर रहे हैं और वेजिटेरियन हैं तो आप बीन्स के थ्रू अपना एक प्रोटीन सोर्स अपना उसको भी ग्रो करते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और अबंडेंस में आते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं वो सब तो चलती रहती हैं साथ में। तो जैसा कि मैम आप क्योंकि पूरा इनके ऊपर जो भी रेयर हमारी वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर स्टडी करती हैं, फिर उसके बाद उन्हें ग्रो करती हैं, लेकिन मैं सामान्य घरों के लिए और सामान्य महिलाओं के लिए जो अगर टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाहें तो उन्हें किन सब्जियों से शुरू करना चाहिए? देखिए मेरा कहना यह है, जो आपको अच्छा लगता है खाना केवल वो ग्रो करिए, है ना, कि सिर्फ इसलिए नहीं। अगर आप बैंगन पसंद करते हैं बैंगन ग्रो करिए, टमाटर पसंद करते हैं टमाटर ग्रो करिए। बेसिकली अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा गार्लिक से शुरू करिए, मिंट से शुरू करिए, ये इजीली ग्रो होते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद आप वाइन वैरायटीज़ की तरफ जाइए, जैसे क्यूकुम्बर है, खीरा हो गया या लौकी तोरी, इनकी तरफ शुरू में नहीं जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत शुरू में ट्राई करती थी, वो हर साल फेलियर होता तो बड़ा डीमोरलाइज हम लोग फील करते थे। तो थोड़ा आप पटेटोज़ ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो होते हैं, कुछ फ्लावर्स ग्रो करिए, थोड़ा बेजिल की तरफ जाइए, तो ये सब चीज़ें इनसे स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप तो और अच्छा कर पाएंगे तो अपग्रेड कर लीजिए। स्पेस कितना मैटर करता है इसमें? देखिए स्पेस तो आपको कितना चाहिए, आप एक बड़ा ग्रो बैग लीजिए और उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर दीजिए, जब आप स्पेस डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे तो सब स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा, टाइम भी क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ अपने आप क्रिएट हो जाएगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि डॉक्टर शिवानी द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और हमारा भी आपसे निवेदन है कि आप छत पर सब्जियां ग्रो करना शुरू कीजिए, नेचुरल तरीके से ग्रो करना शुरू कीजिए, क्योंकि बाजार से मिलने वाली सब्जियों में बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा होती है, वो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बेशक आपके पास स्पेस की कमी हो तो आप चाहे एक ही पॉट में सब्जी लगाना शुरू करें, लेकिन शुरू करें। जैसे ही आपने शुरुआत की तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी बहुत सी सब्जियां ग्रो होंगी। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।